भड़ास थाल मीडिया के लिए वीडियो इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह से बातचीत करते हैं। संयोग यह रहा कि कुछ रोज पहले शीतल जी ने जब जानकारी दी कि वे कार से 6 फरवरी को लखनऊ जा रहे हैं, तो मैंने भी कह दिया कि अपन भी डर लेंगे आपकी गाड़ी में और कुछ रोज लखनऊ रहकर गाजीपुर की तरफ निकल लेंगे। इसी क्रम में हम दोनों आज साथ साथ रहे। नोएडा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भागती हुई कार पर सवार हम दोनों कुछ घंटे साथ रहे तो बहुत सारे मुद्दों पर ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई। गानों को सुनने सुनाने का दौर चला। नुसरत फतेह अली खां साहब से लेकर हबीब पेंटर कव्वाल तक और सुजात हुसैन से लेकर इकबाल बानो तक को सुना गया यूट्यूब के सौजन्य से। शीतल पी सिंह से बातचीत का वीडियो दिखाने के पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताना जरूरी है ताकि जो लोग उनसे परिचित न हों वे उनके बैकग्राउंड करियर जीवन को जान समझ लें। शीतल पी सिंह मूलतः यूपी के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। जवानी के दिनों में कॉमरेड थे, CPM की स्टूडेंट विंग SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता थे। वर्ष 1984 में पत्रकारिता में आए, 1984। करियर की शुरुआत मुजरा अखबार से की, उसके बाद उन दिनों के चर्चित अखबार चौथी दुनिया की टीम के हिस्से बने। फिर जानी मानी पत्रिका इंडिया टुडे के साथ दिल्ली में जुड़ गए। वहां से निकलकर समय सूत्रधार नामक मीडिया संस्थान के साथ काम किया, फिर स्वतंत्र भारत और दैनिक जागरण जैसे अखबारों के लिए रिपोर्टिंग की। ये सिलसिला वर्ष 1993 तक चला, 1993 तक। इसके बाद शीतल सिंह का पत्रकारिता से मोहभंग हो गया। उन्हें लगा कि आर्थिक रूप से सक्षम बनना जरूरी है ताकि कलम व आवाज़ की आज़ादी से कोई समझौता करने की मजबूरी न हो। शीतल पी सिंह ने पारिवारिक व्यवसाय में करीब 2 दशक तक सक्रिय भागीदारी की। इस सिलसिले में कई देशों की यात्राएं की। बिजनेस उद्योग व्यवसाय ठीक तरह से जमाने और पारिवारिक दायित्वों से आज़ाद होने के बाद वर्ष 2010-11 में समकाल पाक्षिक समाचार पत्रिका का प्रकाशन कर पत्रकारिता में पुनर्वापसी की। पर यह मैगजीन केवल साल भर तक छप सकी। उसके बाद विभिन्न आंदोलनों से जुड़कर भारतीय राजनीति और समाज को समझने की कोशिश की। पिछले कई बरस से सोशल मीडिया के जरिए विभाग लेखन करते रहे। वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम के साथ मिलकर शीतल पी सिंह ने सत्यहिंदी.com नाम की डिजिटल वेंचर को लॉन्च किया, जो आज काफ़ी चर्चित ब्रांड है। शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com के को फाउंडर हैं। नोएडा से लखनऊ आने क्रम में कार में हुई उनसे बातचीत को देखें और शीतल जी के अंदर के फायर को समझें, जानें। एक पत्रकार विभाग तभी हो सकता है जब वह खुद आर्थिक रूप से सक्षम हो, बुद्ध विवेक चेतना विज्ञान लोकतंत्र के मानकों आदर्शों को समझता महसूस करता हो, लिखने पढ़ने में तल्लीन रहता हो, नए विचार नए तथ्य नई भाषाओं का सम्मान करता हो, स्वागत करता हो। शीतल पी सिंह एक लोकतांत्रिक शख्सियत हैं। वे अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखते हैं, लेकिन उसके पहले दूसरे की बात को पूरे सम्मान और पूरे समय तक धैर्य से सुनते हैं। शीतल पी सिंह से मीडिया मोदी राजनीति आदि ज्वलंत विषयों पर बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। देखिए, विचारधारा तो हमेशा से थी, विचारधारा हमेशा रहेगी। विचार एक ऐसी चीज है जिसको आप कोई भी तानाशाही कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं रोक नहीं सकती, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो और चाहे वो इन दोनों के बीच में हो। सेंट्रिस्ट होते हैं, लिबरल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। विचार तो एक जगह है, लेकिन अभी जो है वो विचार से उसका ताल्लुक है भी और नहीं भी है, लेकिन विचार उसका मुख्य आधार नहीं है। उसके लिए तो आपको जो 550 पेज का अर्नब गोस्वामी के एक चैट आई है पार्थों के साथ, जो इसका टीआरपी वाली संस्था का जो सीईओ था, उसको जब आप पढ़ते हैं तो ये एकदम पर्दाफाश हो जाता है कि ये विचार का मामला ही नहीं है। उसका कोई राष्ट्रवादी विचार नहीं है। वो आदमी पुलवामा जैसी घटना पर राष्ट्रवाद की या उन मरे हुए लोगों की बात ही नहीं कर रहा है। वो इसकी बात कर रहा है कि उसने आज तक को पछाड़ दिया, वो आधा घंटा पहले आ गया और उसने तो लूट लिया, उस मतलब उससे होने वाले लाभ की बात कर रहा है। दरअसल हुआ यूं है कि प्रिंट मीडिया भी उसकी भी कॉस्ट थी, उसमें भी जब टेक्नोलॉजी बदली, जैसे कलर्ड प्रिंटिंग आई और दूसरी चीजें आई, तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ी थी और उसको भी साधारण लोग नहीं चला सकते थे। लेकिन जब से ये टेलीविजन मीडिया आया है ये तो बिल्कुल ही नहीं चला सकते, क्योंकि इसकी भारी कॉस्ट है। एक राष्ट्रीय चैनल को हर वर्ष कम से कम 200 करोड़ से 400 करोड़ के बीच की रकम चाहिए उसको चलाते रहने के लिए। तो ये या तो रेवेन्यू से आए या कोई उसको दे रहा हो, दोनों ही सूरतों में इसमें कॉमन मैन का रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में कुल 1 करोड़ लोग तो इनकम टैक्स देते हैं, उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके इनकम टैक्स की रेंज वहां जाएगी जो इस तरह की किसी मीडिया का ड्रीम पाल सके। यानी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में कुल 1 करोड़ लोग जहां इनकम टैक्स देते हैं, उसमें से 20-25 लाख लोग ही ऐसे हैं जो शायद ऐसा सोच सके कि वो किसी टेलीविजन चैनल के ओनर बन सके। तो जब सीमा इतनी कम हो गई,
फिर वो सीमा और घटती है। हम जानते ही हैं, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं कि चीज़ें जो हमारे यहाँ मतलब जो दूरी है सबसे गरीब और सबसे अमीर में, उसके आंकड़े सारी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा एक पक्ष में या एक दूसरे के खिलाफ घनत्व पा रहे हैं। 1% से कम लोगों के पास देश की आधी दौलत से ज़्यादा है, उन 1% में भी 0.10% वो हैं जिनके पास उनके आधे से ज़्यादा है। तो ये जो घनत्व पैदा हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि संसाधन जो है बहुत चंद लोगों के, यानी देश 4-5 हज़ार लोगों की मुट्ठी में है। 4-5 हज़ार में से 50 लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ों को मुट्ठी में कर सकते हैं। और अब यही हुआ है कि ये बार बार छपता है कि सारे टेलीविजन चैनलों में किसी एक खास घराने का किसी न किसी रूप में हिस्सा मौजूद है। कुछ तो उसने सीधे खरीद ही लिए हैं और एकाएक वो इस धंधे का सबसे बड़ा व्यापारी हो गया है। तो ये जो सामर्थ्य आई है कि एक टेक्नोलॉजी की वजह से मीडिया की जो प्रभावशाली मीडिया है उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी हो गई, उसके संचालन की कॉस्ट बड़ी हो गई, तो जो भी प्रयोग धर्मिता है वो उसमें खत्म हो गई, अब उसमें सीधे कैपिटल आ गई। तो आप कह रहे हैं कि जो अभी पत्रकार जो बीजेपी या राइट विंग या मोदी जी के हैं वो सब अपने आर्थिक फायदे के लिए हैं, अपॉर्चुनिस्ट है वो जी। जो इसके ट्वीट वो जो आपस में व्हाट्सएप चैट है वो तो बता रही है कि वो ना राष्ट्रवादी है, वो तमाम मंत्रियों को गालियां दे रहा है। एक मंत्री जो सूचना और प्रसारण और लॉ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इस देश में रहे हैं जेटली, उनके मरने की कामना कर रहा था वो बीजेपी में किसी को गालियां दे रहा है, सबसे फेल मंत्री है हाँ, आपके मोर्चे पे जो। तो वो आदमी कोई किसी विचार से नहीं केंद्रित हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि वो सफलता, वो अपने चैनल की सफलता, वो सफलता क्या है, वो सफलता है उसके लिए रेवेन्यू जुटाना। आज वो 1200 करोड़ का आदमी है। वो आदमी जो टेलीविजन चैनल में एक एंकर के तौर पर NDTV में बैठता था, उसके बाद वो एक जगह एडिटर हुआ टाइम्स नाउ में, अब वो 1200 करोड़ का आदमी है। तो वो एक आर्थिक सफलता के लिए किए जाने वाले समझौते को विचार से लीपा पोता जाता है। विचार नहीं है ये इसमें विचार का लेप किया गया है, ये ठगहारी है, ये क्रिमिनल, इसीलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। वो कहीं भी गिर सकता है, किसी भी सीमा तक गिर सकता है। और इनमें से तमाम आप जानते ही हैं कि आज अगर सरकार बदल जाए और कोई दूसरी सरकार आए, आप इनको एकदम दूसरे विचार में पाएंगे। तो इनमें से किसी के विचार स्थायी नहीं है, बहुत ही थोड़े लोग ऐसे हैं या वो बीच में हो जाएंगे। अगर वो एकदम विचार नहीं बदल पाएंगे तो आप उन्हें लिबरल वाले कोटे में पाएंगे एकाएक, तब वो दक्षिण पंथ की वो तार्किकता जो आज दे रहे नहीं दे पाएंगे। और दूसरे, चूंकि इनको सरकारों के साथ होने में एक और लाभ होता है कि इनको जो कानून के तहत जिम्मेदारियां होती हैं, जवाबदेही होती है, उससे बचने के रास्ते मिल जाते हैं। आप देखते ही हैं कि कैसी लड़ाई हो रही है कि अगर अर्णब गोस्वामी पे एक महाराष्ट्र सरकार एक कोई केस किसी मामले में दर्ज करती है, तुरंत उससे बचाने के लिए कि उस मामले को महाराष्ट्र सरकार से छीन लिया जाए, वही मुकदमा उत्तर प्रदेश में दर्ज होता है, उत्तर प्रदेश का जिससे सीधा संबंध नहीं है, और अगले ही दिन वो ट्रांसफर कर दिया जाता है सेंटर को कि CBI इसकी जांच करे, और CBI तत्काल तैयार भी हो जाती है उसकी जांच करने के लिए। तो वो तो कोर्ट्स वगैरह के जरिए किसी तरह से चीजें रुकती हैं। तो ये जो हस्तक्षेप है, ये हस्तक्षेप किस लिए है? CBI की जांच का मतलब इसमें क्या है? इसका मतलब उनको उस राज्य की पुलिस की जांच से बचाना है। तो राज्यों की पुलिस का और केंद्रीय संस्थाओं का इस तरह से किसी पत्रकार के इंडिविजुअल फायदे नुकसान में इस स्तर तक इस्तेमाल, ये तभी संभव है जब उससे वो सर्विसेज ली जा सके जिन सर्विसेज की बात मैंने पहले की। तो मतलब ये लोग जो रायदीप, अर्णब, सुधीर, अमित देवगन, ये सब जो टाइप लोग हैं मोदी जी के पत्रकार जी, ये सत्ता संरक्षण में अपनी कंपनी के अपने निजी आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए ये लोग जो है एक तरह से अवसरवादी पत्रकारिता कर रहे हैं जो कि टिकेगी नहीं भविष्य में। ये एकदम अवसरवादी पत्रकारिता है। इसका विचार से सिर्फ इतना ही संबंध है कि आज का जो विचार है इस सरकार का, उस विचार से मेल खाने वाला वो प्रचार कर रहे हैं जी। लेकिन और उससे अपनी कंपनियों को आर्थिक सफलताएं दिलवा रहे हैं या उनको आर्थिक संचालन में जो रेवेन्यू सरकारी स्रोतों से और अन्य स्रोतों से आता है उसको प्राप्त करने में मदद करा रहे हैं।
और जहां जो वो मालिक हो गए जैसे अर्णब गोस्वामी, तो वो उसके जरिए खुद बड़े आदमी बनते चले जा रहे हैं, वो भी उसी तरह से और बड़े हो रहे हैं जैसे हमारे देश में कुछ बड़े और बड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।